तो दोस्तों रेडी हो गया हूँ मैं, तो अब निकलने वाला हूँ। बस उससे पहले ये है कि देख लूँ कैसा लग रहा हूँ। तो मैं तो अच्छा लग रहा हूँ, बाकी आपने बताना है वीडियो में कमेंट करके। तो बाकी ये कि मेरे पास कुछ ग्लासेस हैं, मैं वो लगा के चेक करता हूँ कि किस में ज़्यादा सूट कर रहा है। ये वाला सूट कर रहा है आई थिंक, और इसके अलावा एक और भी मैंने अभी नया बनवाया है, वो भी देखते हैं वो कैसा लग रहा है पहन के। अच्छा जी, किधर है भाई, आ जाओ बाहर। ये मैंने रिसेंटली सऊदी में बनवाए थे दोनों, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें चश्मे में एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ, ये देखें। एक तो ये है, ये देखें, ये है। अच्छा, इसको अब आप सनग्लासेस बनाना चाहते हैं तो ये आपके सनग्लासेस हो गए। तो दोस्तों आप बताएं कौन सा लगा के जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये लाइट वेट भी है और इसमें सनग्लास का ऑप्शन भी है। और बाहर इस वक्त निकली हुई है, ये देख सकते हैं कुछ होटल के पीछे के नज़ारे आप। धूप निकली हुई है, दोपहर के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो चलें चलते हैं, देखते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और क्या देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। अच्छा, यहाँ पे गर्मी नहीं फील हो रही यार बिल्कुल भी, कि अभी यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी होटल से बाहर। आप देखो ग्रीनरी कैसे है यहाँ पे मेरे पीछे और आगे सब तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक जगह है, एक लेक बताइए मुझे होटल रिसेप्शनिस्ट ने, और कहा है कि इधर सिकंदर बेग स्क्वायर भी है, तो वहाँ की तरफ मैं जा रहा हूँ। तकरीबन 2 किलोमीटर है यहाँ से, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिटी सेंटर में ही है मेरा होटल। तो चलें चलते हैं और देखते हैं, जब तक मैं आपको वगैरह कैसी है। ये देखें मेरे होटल के पास कह रही, ये सेंटर ऑफ तिराना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा है, इन्होंने ना आर्ट वर्क किया हुआ है घर की इसके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं यहाँ पर देखने वाली, तो दिखाते हैं आपको और चलें चलते हैं फिर आगे, जहाँ जगह मिलेगी फिर आपको क्लिप बना के दिखाएंगे। हाँ, तो दोस्तों अभी आगे चलते चलते ये देखें, ये फ्यूनरल शॉप, यहाँ मरने के बाद के जो डब्बे वगैरह मिलते हैं वो रखे हुए हैं। इस तरह मार्केट का व्यू है कुछ, ये शॉप्स है इधर इस तरह करके, ये आगे फ्लावर शॉप्स आ रही है, ये देख सकते हैं खूबसूरत फ्लावर शॉप भी है इधर। अच्छा, सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर इसी तरह, ये देखें जैसे अपने वहाँ शॉप्स होती हैं, ये देखें खूबसूरत तरीके से इस तरह सब्ज़ियाँ वगैरह हैं। लोग अपना सुबह सुबह, आज संडे मॉर्निंग है, ये फ़िश शॉप है आप देख सकते हो, और ये सब्ज़ी की दुकान है इधर फिर से, सब्ज़ी फ्रूट सब लोग ले रहे हैं। और सुबह सुबह निज़ाम चल रहा है, संडे का दिन है, छुट्टी है लोगों की यहाँ पे आज, काम चल रहा है। ये इधर गाड़ियों की चार्जिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इसी तरह वॉक करते करते जाएंगे, आपको साथ साथ दिखाएंगे, बीच बीच में क्लिप्स बना रहा हूँ मैं, तो देखते जाएँ कैसा माहौल है। दोस्तों ये ज़रा रोड का व्यू चेक करें आप, देखें कैसे दोनों तरफ यहाँ पे दरख्त हैं और बिल्कुल छांव बनी हुई है। गाड़ियों की भी मौज है और लोगों की भी मौज है जो यहाँ वॉक कर रहे हैं। ये इनका कुछ बस स्टॉप इस तरह दिख रहा है, ठीक है, और ये हम इस जगह पे वॉक कर रहे हैं अपना। बिल्डिंगें जो हैं बड़ी कलरफुल हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत इलाके बनाए हुए हैं। इस तरह देखें लोग बैठे हुए हैं धूप में आराम से, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है। देखें कैसे इधर इन्होंने रोड का व्यू है, और ये इधर कैफ़ेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं कॉफ़ी के। अगर आप शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अल्बानिया आएँ और देखें। ये देखें इस वक्त दिन में भी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन कैसे धूप को इन्होंने बिल्डिंगों ने और दरख्तों ने कवर किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इधर मार्केट है और ये वॉक अराउंड है लोगों के, फुटपाथ पर चल रहे हैं लोग इधर। अक्सर दुकानें इधर बंद हैं अभी, और कई पीछे खुली हुई भी थी, तो चलें आगे चलते हैं देखते हैं फिर और क्या है। अच्छा दोस्तों, घूमते घूमते ऐसे ही ये बीच में एक इनके यहाँ पे कोई एक है मुझे एदौन ज़ाकू, ये जी 1866 से 1930 तक पता नहीं इनकी हुकूमत रही यहाँ पे, क्या रही यहाँ पे, कोई जनरल कर्नल होंगे, खैर इसी तरह है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन्जॉय कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है आज, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, बच्चे भी बड़े रिलैक्स खेल रहे हैं इधर, देखें मार्केट्स वगैरह हैं इस तरह है। तो चलें आगे चलते हैं देखते हैं और क्या आगे यहाँ पे। जी दोस्तों, इधर कोई वेडिंग एंड इवेंट्स का है शॉप, उन्होंने बड़ा ही अच्छा इसको मार्केट किया हुआ है, देख सकते हो इस तरह करके उन्होंने उसको ड्रेस को दिखाया, और ये बी कूल कुछ इनका वो है सिस्टम। अच्छा दोस्तों, ऐसे कुछ बुक्स वगैरह बिक रही हैं यहाँ पे रोड साइड पे, और ये वो जगह है रोड क्रॉसिंग की, अभी फिर से सिग्नल बंद हुआ हुआ है इस साइड जाना हमें। सामने ये रानिया पार्क है, इधर काफ़ी लोग आए हैं, इसके पीछे ही सिकंदर बेग स्क्वायर है। तो ऐसे ही पैदल चलते चलते बातें करते करते हम पहुँच गए यहाँ पे, तो अभी देखते हैं। ये सेंटर में लेक है, वाटर लेक है, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन्स है। तो दोस्तों ये देखें, ये खूबसूरत सा एक पार्क है, रानिया पार्क है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड है। अब ये देखते हैं कि यहाँ के लोकल्स हैं या क्या है, लेकिन बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है। लेकिन अभी जहाँ हमने जाना है अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, अब हम देखते हैं कैसा सीन है वहाँ पर।
और जाते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको भी, जब तक आप खुद देख सकते हैं, वॉक अराउंड देख लें। काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, धूप बिल्कुल हल्की हल्की सिर्फ जैसे कि लाइट है और बहुत ही प्यारा व्यू है, हर तरफ देखें ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत पौधे हैं और बिल्कुल वेदर बहुत ज़बरदस्त है। अभी स्प्रिंग चल रहा है यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत है, लोग यहाँ काफ़ी हैं अपने बच्चों को लेके, पार्क्स में फुल रश हो रहा है, बच्चों वाले पार्क में जाते हैं, ज़रा देखते हैं बच्चे कैसे हैं यहाँ के, देखते हैं कि क्या सीन्स हैं बच्चों के, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे जाके। बच्चों देख लो, ये देखें कुछ शिप सा बना हुआ है और उसमें प्यारे प्यारे से यूरोपियन बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह है। मुझे आई थिंक जाना है वो वहाँ पे सामने इंटर कॉन्टिनेंटल, तो उधर का रास्ता कुछ यहाँ से भी है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से वो सामने इंटर कॉन्टिनेंटल आपको दिख रहा होगा, यहाँ यहाँ जाना है। ये देखें आप, ये कैसीनो है इधर और इस तरह बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है, काफ़ी दुनिया यहाँ घूम रही है। आई थिंक मुझे इस साइड जाना चाहिए, बड़े खूबसूरत से दरख्त भी हैं यहाँ पे। तो ये सारे सीन्स हैं, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लें और आपको भी दिखाएं, जो भी दोस्त यार अपने हैं अगर विज़िट करना चाहते हैं। अच्छी सस्ती कंट्री है, मतलब कि आप बजट में एक अच्छा मुल्क घूम सकते हो यहाँ पे। और अभी ये मौसम, ये महीना मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा है ये बहुत, काफ़ी लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, खाना वगैरह भी मिल जाता है, मतलब फ़ास्ट फूड देख लें, बारबेक्यू आइटम आप खा सकते हो, जैसे चिकन हो गया, फ़िश हो गई, हलाल फूड हैं तो इसमें अच्छा है। बड़ी खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी यहाँ बहुत बन रही है, अच्छा कंस्ट्रक्शन भी यहाँ काफ़ी हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अभी आगे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ रोड्स हैं यहाँ पे, अभी ये सिग्नल खुल गया इस साइड का तो गाड़ियाँ आ रही हैं। ये बिल्डिंग है बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, काफ़ी कलरफुल सब माहौल है। ये देखें फिर यहाँ पे वही रोड का माहौल है, हर तरफ पौधे लगे हुए हैं ज़बरदस्त, मतलब कि ठंडा माहौल है। अभी चलते हैं आगे, इधर हमारा आई थिंक इस साइड पे सिकंदर बेग, यहाँ पे ये चर्च स्टाइल की कोई चीज़ है, पता नहीं चर्च है या शायद पूरी मस्जिद है, तो जूम आउट करते हैं। ये देखें ये यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी ये ग्रीनरी है और ये पूरा इसका व्यू है, तो देखते हैं फिर आगे क्या है। सिकंदर बेग स्क्वायर इसी तरफ आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं इधर, ये चर्च है भाई, ये यहाँ पे चर्च है और लोग जा रहे हैं यहाँ पे अंदर, तो हम भी देख के आते हैं कि क्या है इसके अंदर, को टिकट वगैरह या ऐसे ही फ्री है, देखते हैं अंदर। चर्च आज तक कभी हम ज़िंदगी में गए नहीं, लेकिन देख के आते हैं कि अंदर क्या है, टिकट वगैरह हुआ तो देखेंगे, नहीं तो ऐसे ही घूम के आते हैं। बहुत ही नए स्टाइल की कोई बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, शायद चले हैं तो बिल्डिंगें तो बनती रहती हैं। अच्छा इधर भी पार्क है आई थिंक, यही रास्ता है उसका, देखते हैं कि यही रास्ता। तो चर्च आपने देखा, चर्च आपको कैसा लगा? अच्छा पता नहीं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही नहीं रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो अब ये आगे जा रहे हैं हम, देखते हैं इधर इधर कैसा माहौल है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए इधर बच्चों का ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, देखें आप बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों की यार मौज है जहाँ भी जाएं। और ये देखें आप, अच्छा जी ये वही स्क्वायर में हम पहुँच गए हैं, सिकंदर बेग स्क्वायर नाम है यहाँ का, काफ़ी बड़ी जगह है। ये देखें आप, सबसे पहले तो बच्चों का देख लें, क्योंकि बच्चों के लिए आपने आना है, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर आप ये राइड अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है यहाँ पर, ये देखें ट्रीज वगैरह। और ये सामने इनका वो म्यूज़ियम है, इसके बारे में अभी मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को देखा बताते हुए, ये कुछ इस तरह है।
और ये बन रहा है जी बिल्डिंग, बहुत बड़ी सी जो मैंने दिखाया आपको, बहुत बड़ा स्क्वायर है ये, ये देखें इस तरह करके। सामने म्यूज़ियम है, ट्राई करते हैं म्यूज़ियम में जाने की, देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बाहर देख लेते हैं बाहर क्या चीज़ें। अच्छा ये ओपरा है सामने, और ये इधर लगा हुआ है, उसके पीछे ये मस्जिद भी है हमें नज़र आ रही है, ज़बरदस्ती मस्जिद है इधर। और ये इस तरफ देखें ये बिल्डिंग है, म्यूज़ियम है इनका, ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि देखना अंदर जाके, मैं देखता हूँ। उसके बाद इधर आपका ओपरा है, ठीक है, और ये इनका कोई बैंक है यहाँ पे, ये बैंक है, और इधर कुछ ये म्यूजिक म्यूजिक अंकल सिस्टम शुरू कर रहे हैं। माहौल बना रहे हैं ये लोग, इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। और ये कोई बहुत ही पुराने ज़माने का टैंक यहाँ रखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं सन कौन से 1965 का या उससे भी पुराना होगा। दिखाता हूँ मैं आपको दोनों साइड से कैसा लग रहा है ये। बिल्कुल म्यूज़ियम के सामने ही है, सारी चीज़ें म्यूज़ियम वाली रखी हुई यहाँ पे। एक और चीज़ दिखी अपने को, ये जी आई लव त्रियाना लिखा हुआ यहाँ पे, लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और ये सामने है इधर सिकंदर बेग स्क्वायर, जहाँ पे इनके सिकंदर आज़म लगे हुए। उसके बाद वो मस्जिद भी देखते हैं जाके, ओपरा में क्या हो सकता है पता नहीं अपने को, तो देखते हैं फिर भी। ये त्रियाना इंटरनेशनल होटल है, और उसके पीछे ये इंटर कॉन्टीनेंटल होटल है, बहुत बड़ा स्क्वायर है ये। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, फिर वो मुजस्मे के पास भी जाके देखते हैं वो कैसा है। पहले तो ये आई लव त्रियाना के पास ज़रा फ़ोटोज़ वगैरह ले लें कुछ अपनी, और कुछ अपना व्लॉग शूट कर लें यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी यहाँ पे लग रहा है इंडियन हैं ये, किस मुल्क के हैं ये, शूट कर लेते हैं। आई लव त्रियाना, लोग घूम रहे हैं यहाँ पे इस तरह। चले देखते हैं सिकंदर बेग को, जिसकी वजह से ये स्क्वायर मशहूर है, उसको तो देखा नहीं, बाकी सब चीज़ें देख ली। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी है सामने, ये इस तरह ना मस्जिद है, इसको भी जाके देखते हैं कैसे क्या चीज़ है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा, वो लोग सिकंदर बेग स्क्वायर आए लेकिन उन्होंने इतना इसको कवर नहीं किया। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पास तो टाइम है आज, इस जगह को देखते हैं। और यहाँ पे एक लेक भी है आसपास में, वो भी चेक करते हैं किधर है, तो उसको देखते हैं। बहुत प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है ये जी, बुरी दिख रही। असल में सूरज उसी तरफ है ना, इसलिए सिकंदर बेग के ऊपर आ रहा है। ये देखें आप, के पीछे भी पार्क है, जगह है बैठने की, लोग बैठे हुए हैं। ये कुछ इस तरह तलवार लेके बैठे हैं ऊपर, बहुत ही ख़तरनाक स्टाइल के जंगजू हैं, बड़ा सा स्टाइल है। और ये बच्चा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, देखेंगे अंदर देख देख लें पूरा। पूरा दिखा दूँ आपको 360 डिग्री, ताकि आप लोग से अच्छी तरह हिप्स कर लें सिकंदर बेग के सारे एंगल। बड़े को ख़तरनाक आदमी था अपने ज़माने का, बहुत ज़बरदस्त बनाया उन्होंने मुजस्मा। चलें जी, सिकंदर बेग को तो कैप्चर कर लिया हमने, अब ये जी ये मॉस्क है, इसको देखते हैं। अपनी मस्जिद है ये, मस्जिद के साथ ये पता नहीं कोई एम्बेसी वगैरह, 3 झंडे लगे हुए हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, ये मस्जिद है या क्या चीज़ है, क्या इनकी। अच्छा है यहाँ पर, लोग आए हैं, काफ़ी रश है, माहौल अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है इस पर, लेकिन ये है क्या। थिंक मॉर्निंग 9 से 12 और 1 से 2 फ्राइडे। ये इसकी कोई हिस्ट्री लिखी हुई है इन्होंने, मिनिस्ट्रिया कुलतरीस, अपनी लैंग्वेज में मिनिस्ट्री। यहाँ पे जा रहे हैं जी ऊपर, कोशिश करता हूँ मैं भी जाने की, क्या निज़ाम है जाने का, टाइम स्क्वायर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। टिकट लगा हुआ है, देखते हैं बताते हैं आपको फिर। टिकट लगा हुआ है या फ्री है इधर,
कुछ लिख के लगाया हुआ इन्होंने, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है ये सिस्टम। टावर ऑफ त्रियाना, क्लॉक टावर ऑफ त्रियाना, इसकी हिस्ट्री कुछ इधर लिखी हुई है लेकिन कुछ और ही लैंग्वेज में है। हाँ तो दोस्तों अभी सिकंदर बेग स्क्वायर से निकल गया हूँ मैं, और ये बिल्कुल मेरे बिहाइंड पे ये सिकंदर बेग स्क्वायर है, यहीं पे वो मुजस्मा लगा हुआ पीछे मेरे, आपको दिखा देता हूँ। और वहाँ से वो जो दूसरा इनका मोनामेंट है जहाँ पे आपका ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं और पूरा सिटी सेंटर नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पीछे मेरे ये रोलर कोस्टर लगी हुई है ना, इसके साथ ही वो सिकंदर बख्त का सिकंदर बेग का मुजस्मा लगा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से आया हूँ सामने, ठीक है, आपने इधर से सामने, और ये रोड है, इस रोड पे मुझे बताया किसी ने कि आप आगे जाएंगे तो वो लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे आपका वो है। तो चलें देखते हैं क्या निज़ाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी इस तरह की बनी हुई पुरानी यूरोपीय कुछ एम्बेसीज लग रही है मुझे तो, ये कुछ कंट्रीज की। यहाँ से जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है और कैसा है सिस्टम। ये भी कुछ बना हुआ रोड साइड पर इधर, और इधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। कुछ इंडियन मुझे मिले थे यहाँ पे, पहली दफ़ा मिले इंडियन, और तीन चार लड़के थे वो, उनसे बात हुई मेरी, तो बता रहे थे कि वो इंडिया से आए हैं, कुछ डिफरेंट शहरों से थे वो लोग। तो देखते हैं अब, ये देखिए ये वो जगह है सामने, ये भी एक मोनामेंट है इनका, तो करते हैं खुल गया तो जाते हैं उस तरफ। बल्कि अपन को जाना है इस तरफ, वेट करेंगे अभी इधर। ये देखें दोस्तों, ये कुछ अजीब चीज़ बनी है, मैंने सुना है कि किसी ये जापानीज़ ने डिज़ाइन किया है इसको, तो इसको देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है कि ये क्या चीज़ है और किसने बनाई है, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या आइटम है और इधर लोग क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हुआ है तो देखते हैं, इंग्लिश में तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये लिखा हुआ है एन ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्टेम्पोरेरी आर्ट एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग द 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ रिचा, अनलॉक द आर्ट वर्क बाय स्कैनिंग द क्यू आर कोड यूजिंग योर स्मार्टफोन बैक कैमरा। ये देखिए जी कैसा आर्ट वर्क बना हुआ, ये अंदर से पूरा इस तरह ग्लास वगैरह गंदे हो चुके हैं, इनको साफ नहीं किया गया पूरा, कुछ बनाया गया इस तरह का। कुछ लोग इसके ऊपर भी जा रहे हैं चढ़ के, ग्लास है ये, हम भी देखते हैं इसके ऊपर जाके कैसा दिख रहा है। ये जी कुछ इस तरह का है सीन, चलें देखते हैं आगे। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा इधर, चलें इधर। ये दीवार पे कुछ आर्ट वर्क चल रहा है, एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है अपने आर्ट वर्क दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अभी एक और मशहूर जगह है वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, जहाँ पे वो आपका जो है ना आइसक्रीम शॉप है कुछ तुर्की स्टाइल वाली, काफी लोग इकट्ठे हुए हैं कैमरा लेके।
अर्बन गैस्ट्रोनॉमी हरियाणा। दोस्त इधर सारे ये वो मैग्नेटिक हाँ दोस्तों भी एक जगह आई है, मार्केट सी बनी हुई है, कुछ काफ़ी रेस्टोरेंट है इधर, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। खाने पीने की चीज़ें लग रही हैं यहाँ, टोबैको वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, और देखते हैं कि अभी घूम रहे हैं बस, वॉक कर रहे हैं। बाजार अच्छा ही है, काफ़ी क्राउड है इधर, काफ़ी लोग आए हैं अभी यहाँ का ट्रेडिशनल ये बैजिस वगैरह, ये सब इनकी ट्रेडिशनल शॉप है। ये इस तरह ये पूरा बाजार है इधर, काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी लोग आए हैं, काउ बॉय कैंडी शॉप है, यहाँ पे जी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बाकी मुसलमानों की भी हैं, काबा बनाना है, किचन वगैरह हैं, काफ़ी हैंड क्राफ्ट्स हैं। बहुत प्यारा सा बना है, वो घूम रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं असल में, कह सकते हैं कि आप फूड स्ट्रीट है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, एक के साथ एक रेस्टोरेंट जुड़ा हुआ है, और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इधर आराम से, आराम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अभी एक पॉइंट और है, ये पॉइंट मेरे होटल से बिल्कुल ही करीब है, मैं वॉक करके आ गया हूँ यहाँ पे, और अभी एक ज़बरदस्त है यहाँ पे, आते हैं फिर कुछ खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, बहुत ही प्यारा बाजार बनाया हुआ है इन्होंने जी। तो दोस्तों ये एक इन्होंने उसका छोटा सा सैंपल बनाया हुआ है, लेकिन असल जो चीज़ है वो उसके पीछे है, ठीक है। तो क्या है, वैसे मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप है लेकिन गर्मी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, और गर्मी वाली धूप नहीं, जस्ट सनशाइन हुई हुई है। तो अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको एक क्या चीज़ आगे, ये देखें इधर कुछ अजीब से स्टाइल का बनाना चाह रहे थे लोग, कुछ बना नहीं, आधा रह गई, घर बना हुआ है ऐसे जिसमें हर चीज़ उल्टी हो गई है। और ये वो जगह है जहाँ से आप जाकर तिराना देख सकते हैं, सामने है फाइव बैंक, और ये वो जगह, अंदर से भी लोग देख रहे हैं इसको और बाहर से भी है, मेन चीज़ का बाहर ही है, वो जाके देखते हैं कि कैसा है। तो देखते हैं कितने कितना है ये ऊपर, इसको देखते हैं हम, ऐसा ना करेंगे सीढ़ियाँ ही काउंट कर लें, कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गई 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हो गए यहाँ पे, और तक देखें तो मैं ऊपर आ गया हूँ, और 36 हुई हैं अभी, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 बहुत है, तकरीबन यहाँ तक 50 हैं, और आई थिंक ऊपर भी इतनी होंगी। चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी तक यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों इसके टॉप पे पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन इसी बड़ी बिल्डिंग पीछे खड़ी है, और यहाँ से आप लोग कहते हैं कि जी आप तिराना देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है, इसके पास से हम आए सिकंदर बख्त वाली, सिकंदर बेग स्क्वायर वाली, और आप ये देख लो कितना हाइट है यहाँ पे, 5-6 मंजिला घर होगा ये, और वो एक मस्जिद है वहाँ पे जाना है मुझे, वहाँ भी जाता हूँ, ये मेरे ख्याल से टर्किश ने बनाई है, इस तरह का कुछ सीन है यहाँ पे, देख सकते हो इस तरह का कुछ सीन है। अच्छी जगह ही, बहुत सारी इसमें देखें एंट्रेंस एग्जिट बनी हुई, यहाँ पे आप कहीं से भी नीचे उतर सकते हो, यहाँ से भी नीचे उतर सकते हो, ऊपर आ सकते हो, बहुत सारे जगहें बनी हुई हैं इसकी, किस तरफ से आपने उतरना है। अच्छा ये आगे कुछ बना हुआ है कि आप जाके बैठ भी सकते हो उधर, इस
साइड पे भी कुछ है। और ये पीछे वो देखें बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर, मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं। तो ये देखें इस किस्म के कुछ सीन जैसे, ठीक है जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा से फिर। अच्छा अब ये मैं उस मस्जिद के पास पहुंच गया हूँ। मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि बता रहे हैं कि शायद टर्की की गवर्नमेंट ने इसको फंड किया है। अब जाके देखता हूँ करीब यहाँ पे क्या चीज़ है। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग एक दफ़ा से फिर। मकसद ये है ब्लॉग बनाने का कि आप लोग देख लो यार कि अगर कोई प्लान बनता है इस तरह का आने का तो आप लोग देख सकते हो, पहले से प्लान कर सकते हो कहाँ कहाँ जाना है क्या है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी ब्लॉग्स देखे थे आके और उसके बाद ही फिर मैं भी निकला हूँ। और फिर मैं देख रहा था तो मेरा होटल भी इत्तेफाक से के करीब ही था, तो इस हिसाब से फिर मैंने आज मैं निकला हूँ। और ये सब कुछ बहुत करीब है, तकरीबन 2 किलोमीटर है मेरे होटल से और सब चीज़ें एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये देखें मस्जिद दिख रही है, तो मैं देखता हूँ ऊपर जाके सो करीब से और दूर से भी कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको। एक मिनट अदर रुकी, साइकिल ट्रैक है इधर ये देखें। ये आई थिंक जिसको ये आया सूफी कहते हैं मस्जिद को, ये उसी की तरह से बना है लेकिन इसको बंद है यहाँ से। देखें अभी ना बंद किया ऊपर जाने के लिए, आई थिंक अभी ये बन रही है, फाइनल नहीं हुई है। इस तरह के कुछ सीन है इसके आसपास साइड्स के, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, ये देखिए आप यहाँ से व्यू सही आ रहा है लेकिन अभी बंद है, ये बन जाएगी कब पता नहीं, जब तक हम यहाँ पे हैं नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्त से एक मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ से इसके आगे वॉकिंग ट्रैक है, लोग वॉक करके जा रहे हैं, हम भी वॉक। यहाँ पे पकड़ना पड़ता है आपको कैमरा अगर ब्लॉग करना है। चलें देखते हैं फिर आगे क्या है। फिर से अच्छा यहाँ पे एक मज़ेदार जो चीज़ है, वहाँ पे जगह जगह पे ना इस तरह के छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं, लोग सुकून माहौल में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है किसी को, छुट्टी का दिन है आज और वेदर भी बहुत प्यारा है और हर जगह ग्रीन नहीं ग्रीन है, हर जगह देखें रोडों पे इधर उधर पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, खूबसूरत से माहौल है, दुनिया मस्त घूम रही है अपना। चलें अब देखते हैं आगे किस तरफ जाना है हमें। अच्छा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, अच्छा घूमते घूमते एक मॉल में आ गया, आपको दिखाता हूँ उसका लुक कैसा ही है। ये देखें ये सिटी सेंटर है, तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ सा मॉल है, यहाँ पे बुक्स बिक रही हैं। वो नीचे नहीं है, नीचे भी जाते हैं देखते हैं और अभी आगे भी दिखाते हैं आप। तो इस तरह का अच्छा मुल्क है और इतना महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप एशियंस हैं तो थोड़ा बहुत महंगा लगेगा लेकिन इट्स ओके, इतना महंगा नहीं है, मैनेज कर लोगे आप लोग। अगर आ रहे हो घूमने फिरने थोड़ा सा बजट है तो आप मैनेज कर लोगे, इतना इशू नहीं है, लेकिन अच्छा है। कई जगहें बहुत सस्ती भी हैं, कई जगहें बहुत महंगी हैं, तो आप देखो आओ घूमो फिरो एक्सप्लोर करो। ये जी और एक जगह है, ये देखिए आप है फ्रेंडशिप मोनामेंट, यहाँ पर आके फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ये देखें इस तरह का है कुछ, ये